अस्सलाम वालेकुम। नमस्ते, आदाब, चकाल और हेलो। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग ठीक ठाक होंगे। और हमारा एक व्लॉग चैनल है व्लॉग्स बाय सुलेमान के नाम से, जहां पर हम आपके लिए 2 से 3 दिन के बाद एक अच्छी सी वीडियो डालते हैं, जिधर आपको हमें और बेहतर तरीके से जानने को मिलेगा। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। मंजिया या मुंजिया मूवी का हमने टीज़र देखा था 1-2 दिन पहले, जिसमें एक पता नहीं, मुझे तो बच्चा लग रहा था, बच्चा सा है, थोड़ा सा एलियन स्केरी सा है, एलियन टाइप लगता है। और वो मुन्नी, मतलब हाँ, मुन्नी गाना लगा हुआ था, मुन्नी बदनाम हुई और लिखा हुआ आया था मुन्नी बी वेयर मुंजिया इज कमिंग, या इस तरह कुछ करके। अभी उसका प्रॉपर ट्रेलर आ गया तो खुलासा हो जाएगा, काफ़ी कुछ हमें पता चल जाएगा। हॉरर कॉमेडी है और हॉरर कॉमेडी जॉनरा बहुत चलता है। हाँ, तो भूत पुलिस तो बहुत मज़े की थी। खैर, इसको हम देखते हैं। शार्वरी हैं, अभय वर्मा हैं, और देखने के बाद करेंगे डिस्कशन। चटोकवाड़ी, श्रापित है वो जगह। अच्छा। और वो पेड़ भी जहाँ मुंजिया की अस्थियां गड़ी हैं। जी आते हैं। कहते हैं किसी मुन्नी से वो शादी करना चाहता था, पर उससे पहले ही उसकी मौत। उसी दिन से इंतजार में है वो अपने वंशज के, जब वो मुक्त होगा और पूरी करेगा अपनी आखिरी इच्छा। चरस फूकने लगा है तू? हुआ क्या है तुझे? ना लायर, चिमटी काटी इसने मुझे। चिमटी निकाली बिट्टू ने, चिमटी मैंने। वो सनसेट के टाइम पे आता है, तुझे नहीं दिखेगा, सिर्फ मुझे दिखता है। क्या चाहिए उसे? उसको शादी करने का है किसी मुन्नी से। मुन्नी लगे, मुन्नी लगे। But are you sure you're not on drugs? तुम्हारा मुझे को ये थम बहाया, लेकिन इसका चार्ज एक्स्ट्रा। साला माधर नंदन, मुन्नी हमारे गांव की है। उस गांव नहीं जाना। कब तक रोकोगे उसे? भूल गए क्या, पिछली बार गए तो क्या हुआ था? क्या हुआ था? काला जादू। मैं मुन्नी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। हमारे पास वक्त बहुत कम है दोस्तों। बुड्ढी गीता, छोड़ दे उसे, वरना वरना क्या करेगी? सारा VFX वाला गेम है। सबर सर, सबर, सबर का फल मीठा होता है। तेरे गुलाब जाम मीठे होंगे। काऊ। ओके, देखिए अच्छी बात है, कुछ नया आ रहा है। मैं तो कहता हूँ मैं तंग आ चुका हूँ वही एक्शन देख देख के ना। तो एक आइलैंड था शुरू में, एक जगह का नाम लिया कि वो जगह है, वो जगह शापित है। एक बच्चा होता है जो शादी करना चाहता है मुन्नी से, हाँ, किसी मुन्नी से वो मर जाता है। तो बीजेपी है कि कोई काला जादू भी था। हाँ, तो अब वो अपनी मुन्नी को ढूंढ रहा है और जो मेन हीरो है अभय वर्मा, अच्छी एक्टिंग उन्होंने की है, उनके कंधे शंधे पे वो चढ़ा हुआ है। और बीच में वो मुन्नी थी, हाँ, जो ओल्ड लेडी आई थी ना, मुन्नी थी ना। तो खैर, वो ये कपल है या कौन है, अभय वर्मा और शार्वरी, इनके घर में होता है और अपनी मुन्नी ढूंढ रहा है। तो एक कॉमेडी वे में वो चल रहा है सारा। और मोना सिंह भी इसमें है। सबसे पहले शायरी जाते हैं उधर, फिर तब उनके ऊपर आता है, उनके ऊपर आता है। और मोना सिंह बताती भी है वहाँ पे तो काला जादू होता था, तो ये होता था। और एंड में फॉरेस्ट के अंदर काफी सारी वो फाइट शाइट और इस तरह के सीक्वेंस चल रहा है। तो जो लोग पसंद करते हैं ये जॉनरा, उनके लिए तो एक मजेदार चीज है। जैसे कि हम हैं, VFX इम्प्रेसिव है। और मैं जैसे कि कह रहा था, कुछ डिफरेंट देखने को मिल रहा है, तो ये बात सबसे अच्छी है। और वो बच्चा, मैंने सही बोला था कि बच्चा ही है, क्योंकि शुरू में दिखाते हैं वो एक बच्चा है। हाँ, तो मुन्नी और मंजिया, मंजिया बोला था उन्होंने शुरू में, तो हाँ। तो बाकी इसको अच्छा है, लोग पसंद करेंगे इसको। और मुझे जो है अभय वर्मा, इनकी एक्टिंग भी अच्छी लगी है। सो आप लोग हमें बताएं कि आपको ये कॉन्सेप्ट कैसा लग रहा है, ट्रेलर कैसा लगा है, और क्या फीलिंग आती है कि मूवी चलेगी नहीं चलेगी। कुछ एक गट फीलिंग आ जाती है ना बंदे को। हाँ, सो दैट्स इट।
रिएक्शन अगर अच्छा लगा तो इंस्टाग्राम पे आप हमें फॉलो करेंगे, वहाँ पर आपको लेटेस्ट फोटो स्टोरीज अपडेट सब मिल जाएंगे। इसी तरह हम आपके लिए लाते रहेंगे नए और डिफरेंट रिएक्शंस डेली। तब तक के लिए रखिएगा अपना ढेर सारा ख्याल।